दोस्तों यूं तो हम बालों की केयर करने के लिए न जाने कौन कौन से प्रोडक्ट ऊपरी तरीके से बालों पर लगा लेते हैं, लेकिन कोई यही नहीं सोचता कि हम बालों की केयर इंटरनल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट के अंदर थोड़ा सा सुधार कर दें, कुछ चीज़ें ऐड कर दें जिससे हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हेयर पर। आपके हेयर में जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे आपके हेयर काफ़ी पतले हो रहे थे, आपके बाल काफ़ी कोम्ब करने में टूट रहे, आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गए, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाए, बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन आपको आज मिलेगा, वो भी इंटरनल तरीके से। किस तरीके से इस चूर्ण को बनाना है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेयर ग्रोथ चूर्ण को बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे हेयर की ग्रेस यानी कि जो हमारे बाल समय से पहले सफेद होते रहे उसको मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा। आपके डेंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये आंवला पाउडर बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आंवला पाउडर आपको यहाँ पर 30 ग्राम के करीब लेना है। अब हमें इसके अंदर दूसरी चीज मिलाना है, वो है ड्राई जिंजर यानी कि सूखी अदरक, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं। ड्राई जिंजर हमारी स्केल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है, ये भी हमारे हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है। हमारे हेयर के सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डेंड्रफ को रिड्यूस करने के लिए जिंजर बहुत ही फायदेमंद होती है। तो सॉल्ट को यानी कि ड्राई जिंजर को, सूखी अदरक को आपको सिर्फ 15 ग्राम के करीब ले लेना है। अब हमें इसके अंदर तीसरी चीज मिलाना है, वो है वॉलनट। वॉलनट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया गया, विटामिन बी पाया गया और ओमेगा 6 फैटी से अच्छे कंटेंट पाए गए। जो ऑल ओवर जो भी इंग्रेडिएंट्स वॉलनट के अंदर मिले हुए हमारे बालों के लिए, हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जिन लोग की डीएचटी की प्रॉब्लम है, डीएचटी काफ़ी हाई होती है, उसको भी मेंटेन करने के लिए ये वॉलनट बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपको यहाँ पर 40 ग्राम के करीब वॉलनट को ले लेना है। अब हमें इसके अंदर लास्ट चीज़ मिलाना है, वो है पंकिंग सीड्स, जिसे हम कद्दू के बीज भी कहते हैं। ये अमीनो एसिड से भरा हुआ कंटेंट है, इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर अमीनो एसिड पाया गया है, जिससे हमारे हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव किया जा सकता है। जिन लोग के बाल काफ़ी करली होते हैं, जो काफ़ी भद्दे से दिखाई देने लगते हैं, इनके बाल में कोई मॉइस्चर नहीं होता, तो उनके बालों का टेक्स्चर इम्प्रूव करने के लिए पंकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज बहुत ही फायदेमंद हो गए। यहाँ पर आपको पंकिन सीड्स को 30 ग्राम के करीब ले लेना है। जिसे हमने इसके अंदर आंवला पाउडर मिलाया, ड्राई जिंजर मिलाया, वॉलनट और ये पंकिन सीड है, लेकिन आंवला तो हमारे पास पाउडर पहले से था ही। अब ड्राई जिंजर, वॉलनट और पंकिन सीड, जिसे हमने इसके अंदर ड्राई जिंजर 15 ग्राम मिलाई, वॉलनट को 40 ग्राम मिलाया और पंकिन सीड 30 ग्राम ली, ये इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एक मिक्सर के अंदर रख के अच्छे से पाउडर बना लेना है और इसी पाउडर को आपको आंवला पाउडर के अंदर मिला देना है। चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा पाउडर तैयार हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इस पाउडर को, इस चूर्ण को यूज़ करने की, किस तरीके से हमें इसे खाना है। तो आपको हल्का गुनगुना पानी में या हल्के गुनगुने दूध के अंदर सिर्फ 1 चम्मच से करीब इस पाउडर को मिलाकर पीना है। रोजाना आपको डेली पीना है, आपको 30 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेगा, आपके बालों में काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपके बाल जो थिन होते हो धीरे धीरे जाड़े होने लगेंगे, आपके हेयर फॉल धीरे धीरे रिड्यूस होंगे, कम होंगे, आपके डेंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम होने लगेगी। तो ये काफ़ी इफेक्टिव चूर्ण है आपके बालों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।